अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हियर वी आर स्टार्टिंग विद स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 9। द टाइटल इज द अर्थ आवर हैबिटेट। अर्थ मींस पृथ्वी। हम जो रह रहे हैं ये एक सोलार सिस्टम है जिसके अंदर सन है और उसके आसपास घूमने वाले प्लैनेट्स है। उस प्लैनेट्स के एक प्लैनेट के ऊपर जिसका नाम अर्थ है उसके ऊपर हम रहते हैं। आवर हैबिटेट और ये हमारा क्या है, रहने की जगह है। ठीक है। वेर एवर वी लिव दैट प्लेस इज आवर विलेज एंड होम। हम जहाँ रहते हैं वो हमारा गांव या घर होता है। ऑल दिस इज ऑन टॉप ऑफ व्हाट। जो भी हमारा घर है, गांव है, बिल्डिंग है, जो भी है वो कहाँ है, किसके ऊपर है। सच क्वेश्चन अराइजेज इन ऑल ऑफ आवर माइंड्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। राइट, कि अब हम जमीन पर रह रहे हैं, घर बंधा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये सब क्या होता है, क्यों होता है, अगर कभी अर्थक्वेक भी आता है तो क्यों होता है ये सब। ठीक है, क्या चीज़ होती है जो बिल्डिंग्स को जो हिला के जाती है, क्योंकि वो हम अर्थ पे होते हैं और अर्थ यानी कि जमीन के ऊपर के हिस्से पे होते हैं और अंदर कुछ प्लेट्स जो होती है उसके ऊपर नीचे होने से जमीन हिलती है और उससे हमारे घर भी हिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो भी चीज़ें जो हमारे दिमाग में ये सारे क्वेश्चन आते हैं कि हम कहाँ हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, तो वो अर्थ के रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम इसके अंदर देखेंगे। आंसर इज वेरी सिंपल दैट माई होम एंड माई विलेज इज ऑन अर्थ। ठीक है, हमारी दुनिया या फिर कहेंगे कि हमारा घर, हमारा गाँव, हमारा शहर कहाँ है, पृथ्वी पर है। दस अर्थ इज कॉल्ड आर ह्यूज होम। इसलिए पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, वो हमारा एक बड़ा सा विशाल घर है, विच इज वेरी ह्यूज, इजंट इट। और पृथ्वी कुछ ज्यादा ही बड़ी है, राइट? एटलीस्ट हमारा घर बहुत बहुत तक कितना हो सकता है, ठीक है, एक महल या फिर एक पूरा शहर किसी का हो सकता है या एक पूरा राज्य किसी का हो सकता है, लेकिन जो पूरा अर्थ है वो एक पूरा एक घर है, ठीक है, जिसके अंदर हर कोई रहता है। सिर्फ इंसानों की बात नहीं हो रही है, एवरी क्रिएचर। सो लेट्स नो अबाउट आवर ह्यूज विलेज। यू ऑल्सो वॉन्ट टू नो दिस, विच इज नेचुरल। और अब हम हमारे बड़े से विलेज, इस बड़े से जो होम के बारे में देखेंगे। और आपको पता है ये पूरा नेचुरल है। यू नो दैट आर अर्थ इज अ मेंबर ऑफ सोलार फैमिली। जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्थ क्या है, सोलार फैमिली का एक मेंबर है। अगेन, व्हाट इज दिस सोलार फैमिली, लेट मी गिव यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सोलार सिस्टम। तो अभी सोलार सिस्टम क्या है, ठीक है, एक फैमिली होती है जिसके अंदर एक पेरेंट्स है और उनके 5 बच्चे हैं। ठीक है, हम पूरी फैमिली को नहीं जानते, सिर्फ उसके एक ही बच्चे को जानते हैं। तो वो फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं 5 भाई बहनों का एक भाई हूँ, मेरे पेरेंट्स है और मैं यहाँ रहता हूँ। इस तरह से क्या होता है कि इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इस तरह अगर हम अर्थ का इंट्रोडक्शन देखते हैं तो अर्थ जो है वो एक सोलार फैमिली का मेंबर है। ठीक है, लेट मी गिव यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सोलार सिस्टम। और हम सोलार सिस्टम के बारे में देखेंगे। सोलार सिस्टम क्या होती है। आवर सन इज द सेल्फ इल्यूमिनेटेड स्टार ऑफ मंदाकिनी गैलेक्सी, मीन्स मिल्की वे। सन जो है वो अपने आप में ही सेल्फ इल्यूमिनेटेड स्टार है। इसकी आग जो है, इसका उजाला जो है वो इसके खुद से ही है। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय मेनी स्मॉल एंड बिग स्टार्स। और वो छोटे छोटे या बड़े बड़े स्टार्स से घिरा हुआ है। अर्थ इज वन सच बॉल। अर्थ जो है वो उसी में का एक बॉल है। ठीक है, ऑल दीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज प्लैनेट्स। और ये सारे जो है वो प्लैनेट्स कहलाते हैं। Due to gravitational force of sun and gravitational force of the planet, all these planets rotate around the sun in a circular form. अब जो gravitational force होता है sun का, ठीक है, उस force की वजह से सारे planet जो है वो imaginary एक door की तरह एक दूसरे से बंधे हुए, ठीक है, किसी ने उसको बांधा हुआ नहीं है, लेकिन एक ये gravitation जिसको हम बोलते हैं कि चुंबक, ठीक है, अगर हमारे पास magnet होता है, magnetism, ठीक है, magnet एक चीज दूसरे चीज से वो ज्वाइन करते हैं। जैसा कि अगर आयरन है, लोखंड की चीज है, तो मैग्नेट उसको अब एक दूसरे की तरफ जो है खींच लेता है। ठीक है, अब उसको एक दूसरे से बांधा तो नहीं गया, लेकिन मैग्नेट का एक पावर होता है। इस तरह से सन जो है वो उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सारे प्लैनेट्स को अपनी तरफ जो है खींचता है और प्लैनेट्स जो है वो सन के आसपास चक्कर लगाते हैं। आई विल मेक यू सी द वीडियो आल्सो। ओके, ऑल दीस प्लैनेट्स रोटेट अराउंड द सन इन अ सर्कुलर फॉर्म। These planets do not have light of their own. They are illuminated by the light of the sun. Earth जो है ना, Earth, उसको अगर उजाला चाहिए तो उसको मॉर्निंग होने की राह देखनी पड़ेगी। हमें अगर उजाला चाहिए, हमें अगर लाइट चाहिए तो हमें मॉर्निंग होने की राह देखनी पड़ेगी। सुबह होगी तो सूरज निकलता है और सुबह होती है, फिर शाम हो जाती है, सूरज ढल जाता है। ठीक है,
हमारे पास खुद की लाइट है, खुद की लाइट हमारे पास कौन सी है, जब रात हो जाती है तो फिर हम जो लाइट्स जलाते हैं जो रोड पे आप देखते हो, ठीक है, वो सारी, फिर हमको वो लाइट्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है। रोड पे कोई लाइट शुरू होती है दिन में नहीं होती, राइट? क्यों? क्योंकि तब हमको सन की तरफ से लाइट मिल रही होती है। फिर रात हो जाती है तो रात को क्यों इतना उजाला नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे पास हमारी खुद की लाइट नहीं है। फिर हमको जो अगर हमारा काम है तो फिर हम उस हिसाब से हमारी जो मैन मेड लाइट है उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो अर्थ के पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, अर्थ को लाइट के लिए सन की जरूरत होती है। दीज प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड फॉर्म्स, ऑल दीज प्लैनेट्स टुगेदर मेक सोलर फैमिली और सोलर सिस्टम। तो ये सारे जो अलग अलग साइज के प्लैनेट्स है, अलग अलग कलर के, ठीक है, और अलग अलग डिस्टेंस पे, ठीक है, और ये सारे मिलकर एक सोलर फैमिली या सोलर सिस्टम बनाते हैं। 10 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, स्मॉल प्लैनेट्स, कॉमेट्स एंड मीटियोर्स आर इंक्लूडेड इन आवर सोलर सिस्टम। सो लेट्स गेट एक्वेंटेड विद दिस सोलर सिस्टम। एट फर्स्ट लेट्स नो द सन एज द की मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लैनेट्स होते हैं। इसके अंदर जैसे कि अगर हम सिर्फ मेन मेंबर्स की बात करेंगे तो उसके अंदर मार्स, जुपिटर, अर्थ ये सारा आएगा, लेकिन मून जो है, मून वो अर्थ का प्लैनेट है, ठीक है? तो इस तरह से छोटे बड़े हर चीज को अगर ऐड करेंगे, उसके बाद कॉमेट से, मीटियोर से, कुछ कहा जाता है कि सन जो है वो पूरा एक आग का गोला, ठीक है? अब कुछ सालों पहले वो जो है उसमें से कुछ हिस्से जो है अलग हो गए थे, छूटे पड़ गए थे, ठीक है? फिर वो जो आग के छोटे छोटे जो गोले थे सन से छोटे, ठीक है, तो वो जब ठंडे पड़ गए, ठीक है, तो धीरे धीरे फिर वो सॉलिड हो गए, कठिन हो गए और फिर वो प्लैनेट्स बन गए, ठीक है? तो इस तरह से ये सारा सोलर सिस्टम है जो हमें समझना है, ठीक है? और एकदम जो जिन छोटे छोटे जो टुकड़े हुए थे वो सारे कॉमेट्स और मीटियोर्स के अंदर ऐड होंगे। नाउ सन जो है वो उसका मेन मेंबर है, सोलर फैमिली। फैमिली का अगर टाइटल ही सन के ऊपर से दिया है, यानी कि हम समझ सकते हैं कि सन की वैल्यू क्या है, राइट? आई विल मेक यू सी द फोटो ऑफ सन, ओके? उससे पहले मैं देखना चाहूंगी कि आपको, यू कैन सी द फोटो, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। यू कैन सी द डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट डिजाइन इवन ऑफ द प्लैनेट। एंड वेयर इज आवर प्लैनेट? इट इज ऑन थर्ड नंबर, राइट? यू कैन सी दिस, ओके? दिस आर नॉट फुल्ली ब्लू, बट ब्लू, येलो, व्हाइट मिक्स, बिकॉज इट्स लैंड, वाटर, ग्रीनरी, clouds etc. is there in earth. Our earth is most beautiful planet among all the planets, right? Now we will continue to see this. You just have to see and understand, imagine if as you are looking at the sky, right? View of the Milky Way from the International Space Station. See here, space station se jo upar jo space mein kaisa look दिखाई देता है, पूरे मिल्की वे का ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है, जिसके अंदर सोलर सिस्टम